गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं हुं हनुमतये नमः ओं रं रमाय नमः ओं मातेश्वरी नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरु कुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय बात करते हैं राशिफल 1 दिसंबर 2023 शुक्रवार मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी और आज का जो नक्षत्र पुनर्वसु 4:40 PM तक आगे पुष्या। कर्क राशि चंद्रमा कर्क में, पक्ष कृष्ण, वार शुक्रवार, सूर्योदय 6:55 AM, सूर्यास्त 5:23 PM और ऋतु हेमंत चंद्र राशि मिथुन राशि रहेगा और 10:12 AM तक उसके बाद परिवर्तन होगा। और आज का जो अभिजीत 11:48 AM से 12:30 PM तक और राहु काल 10:51 से लेके 12:09 PM तक। राशिबल मेष, मिथुन, सिंह कन्या और धनु मकर में बल रहेगा। भरणी, रोहिणी, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्ता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती में बल रहेगा। दिन का जो लग्न का प्रारंभ आज होने वाला है, अच्छा आज हमारे ओडिशा पंचांग के अनुसार सीता विवाह और यहाँ अग्निकोण यात्रा निषेध, अद्य शुभकर्म दिवा 3:21 गते पुष्या नक्षत्रे नामकरणम निष्क्रामणम वृक्षरोपणम नौकागठनम राजदर्शन नाट्यारंभ दीक्षाग्रहणम गृहप्रवेश प्रतिष्ठा नवदोलाद्यारोहणम कर्णवेधम इत्यादि कार्य शुभ कार्यम करणीयम। और आज वृश्चिक धनु मीन राशि घात बार कन्या राशि का घात चंद्र रहेगा, सावधान रहना चाहिए इनको। और आज का रजस चक्र कन्या व्यांध्या दोषा शांति करणीयम, ये बड़ा जरूरी है। और 3:13 मध्य अगर कोई व्यक्ति गया हो तो 1 पाद लग रहा है दोष। लग्न सुबेला वृश्चिक 7:20 मध्य और धनु 9:26 तक, मकर 11:16 तक, कुंभ 12:54 तक, मीन 2:28 तक, मेष 4:12 तक, वृष 6:04 मिनट तक, मिथुन 8:12 तक, कर्क 10:30 तक रात का। तो इस समय जिनका जिनका अष्टम हो रहा हो उसको उस लग्न को थोड़ा सा याद रखना है, द्वादश लग्न को थोड़ा सा याद रखना है। हो जाता है, मैं रख लेता हूं कि हाँ मेरा इस समय ये लग्न चल रहा है और इस समय ये कार्य नहीं करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा जब आप एक्सपीरियंस हो जाओ तो उसमें आपका लग्न के साथ होरा को भी याद रख लेंगे। जैसे सुबह सबसे पहला वृश्चिक लग्न में शुक्र और बुध का होरा चल रहा है आज, और उसके बाद चंद्रमा शनि का आ रहा है, तो इसमें कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा मिसमैच हो रहा है, थोड़ा सा खाली ओवरलुक कर देने से होरा अवेलेबल है तो उसमें ये दिमाग में चलते रहना चाहिए। तब क्या होता है, कोई भी प्रश्न पूछे, कुछ भी प्रश्न कुंडली के अनुसार उत्तर आए तो कुंडली खोलने का जरूरत नहीं, खट करके उत्तर दे दोगे और आंसर सटीक हो जाता है। तो चलिए अभी बात करते हैं राशिफल। मेष राशि के लिए आज तृतीय चंद्रमा आज भी बढ़िया है, लेकिन सेकंड हाफ में चेंजेस हो जाएगा थोड़ा सा, तो फर्स्ट हाफ में जो भी काम निकालना है निकाल लीजिए। थोड़ा सा इस समय भोजन पे कंट्रोल, शारीरिक स्वास्थ्यता में थोड़ा सा कमी, कहीं सरदर्द या मसल में पेन या ऐंठन इस प्रकार का स्थिति भी बन सकता है ओवर ऊर्जा के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा योग व्यायाम वगैरह। वृष राशि के लिए बात करते हैं तो द्वितीय चंद्रमा
और आज उतना ज्यादा ऊर्जा नहीं रहेगा कार्य क्षेत्र में, फिर भी आपके लिए सपोर्टेबल लेवल एनर्जी दिख रहा है। मिथुन का बात करते हैं 70%, लेकिन सेकंड हाफ में एनर्जी थोड़ा सा घटेगा। वृष राशि का एनर्जी बढ़ेगा काम करने में, रुचि इच्छा थोड़ा सा एनर्जेटिक होने से, देखिए ऊर्जा है तो काम फटाफट निकलेगा। कर्क राशि का फर्स्ट हाफ नॉट गुड, सेकंड हाफ सॉलिड रहेगा, गुड रहेगा, 70 से 80% तक जाएगा। सिंह के लिए बात करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट हाफ में एकादश चंद्रमा रहेगा सॉलिड, सेकंड हाफ में द्वादश आने वाला है, तो उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहने वाला है। उसके बाद कन्या के लिए बात करते हैं, आपके लिए दोनों ही ठीक है, चिंता का कोई विषय नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल इन योर माउथ, खाने में वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल करें, ओवर ऊर्जा दिख रहा है। तुला के लिए बात करते हैं, फर्स्ट हाफ उतना ज्यादा नहीं, सेकंड हाफ टॉप गुड बेस्ट एनर्जी रहेगा, मस्त गो कर सकते हैं। आपको भी इस समय किसी ना किसी, क्योंकि शुक्र अभी अंदर मतलब लग्नेश यहाँ पर रहने वाले, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा अपने को कंट्रोल इन ऑल कंडीशन, फूड हैबिट, क्योंकि ये बंद पापकर्तरी में भी है, तो इसमें ऊर्जा क्या करता है, असमन्वय होने का संभावना रहता है, तो थोड़ा सा सावधानी रहे। कहीं खाना देख रहे हैं लोभ लग गया, फिर एसिडिटी हो गया, फिर खाना खाने के बाद फिर हो सकता है गैस बढ़ जाए या कॉन्स्टिपेशन हो जाए, किधर उधर, इसीलिए सावधानी। तो चलिए वृश्चिक राशि का अगर हम बात करते हैं, तो वृश्चिक के लिए नवम चंद्रमा यहाँ पर 37% का एनर्जी दिखाई दे रहा है, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके अंदर का ऊर्जा ज्यादा होने के कारण कर्म में थोड़ा सा सिद्धि भी होने वाला है। और आपको भी हिदायत दिया जाता है कि माइंड अनकंट्रोल हो सकता है, जिसके लिए समस्या में पड़ सकता है। धनु के लिए बात करते हैं, तो धनु के लिए सप्तम अष्टम चंद्रमा फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। मकर के लिए बात करते हैं, दोनों ही गुड है, और आज कुछ एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती का भी मूड रहेगा, कर्म सिद्धि योग भी रहेगा, सॉलिड एनर्जी रहने वाला है, गुड। बात करते हैं कुंभ के लिए, तो पंचम का और षष्ठ का चंद्रमा रहेगा, तो फर्स्ट हाफ नॉट गुड, सेकंड हाफ गुड रहने वाला है, अच्छा है, सपोर्टिव। लेकिन यही है, फूड कंट्रोल थोड़ा सा जरूरी है ये। अच्छा, मीन के लिए बात करते हैं, तो मीन के लिए यहाँ कहीं ना कहीं एनर्जी डाउन पे जाएगा, कार्मिक लेवल पे उतना ज्यादा गुड यहाँ पर नहीं कहा जाएगा, 22-23% का एनर्जी दे रहा है। तो दिन मान का ऊर्जा तो ठीक है, लग्न का ऊर्जा तो ऑलरेडी आप उसको निर्धारित करेंगे ही। अब बात कर लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में नक्षत्रफल, तो अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद तारा में आ रहा है, सावधान रहें। भरणी मेष पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा में आ रहा है, अच्छा है। कृतिका मेष वृष उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तराषाढ़ा धनु मकर आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा पे आ रहा है, 50% गुड है। रेवती रोहिणी वृष हस्ता कन्या श्रवणा मकर आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा में आ रहा है, गुड है। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद तारा में, सावधान रहना। आद्रा मिथुन स्वाति तुला शतभिषा कुंभ संपद तारा पर है, बहुत बढ़िया है। पुष्या पुनर्वसु कुंभ पुनर्वसु मिथुन मिथुन कर्क विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व भाद्रपद कुंभ मीन 70% गुड है, जन्म तारा में आ रहा है। पुष्या कर्क अनुराधा वृश्चिक उदर भाद्रपद मीन मित्र तारा पे बढ़िया है। अश्लेषा कर्क ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन अति मित्र जोन पे आ रहा है, बढ़िया है। धन्यवाद, नमस्कार।